बदन पर पुलिस की वर्दी, कांधे पर सितारे, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच और सब इंस्पेक्टर होने का दावा। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की को उत्तर प्रदेश पुलिस ने औरैया में रिपब्लिक डे परेड के दौरान पकड़ा है। पुलिस की वर्दी पहनकर और कांधे पर सितारे लगाकर रिपब्लिक डे परेड की सलामी लेने पहुंची ये महिला अधिकारी फर्जी है। यह महिला पुलिस अधिकारी बनकर औरैया पुलिस लाइन में पहुंची थी, लेकिन जब पुलिस ने उसकी वर्दी पर उल्टा टंगा हुआ बैज देखा तो उन्हें मामला कुछ गड़बड़ समझ में आया और उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो सारा भेद खुल गया। ये महिला अपना पता भी ढंग से नहीं बता सकी। इस महिला को स्टार लगे पुलिस की वर्दी में देखकर पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। पूछताछ और जांच के बाद पता चला कि महिला का नाम संतोषी राजपूत है, जो इटावा की रहने वाली है। इसने दावा किया कि वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे चुकी है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। अपने लिए तो सही है, क्योंकि फॉर्म में दौड़ भी की थी मैंने। अच्छा। टेस्ट भी देने गई थी तो मैंने तो अपने लिए तो सही किया। अच्छा अच्छा, तो दौड़ में भी आ गए थे, दूसरे नंबर पे आई थी। अच्छा, कहीं सर्टिफिकेट मिला है, नौकरी नियुक्ति हुई है कि नहीं, ये बताओ। नहीं हुई है। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ रहने वाली हो? हालांकि ये फर्जी महिला दारोगा ये नहीं बता पाई कि उसके पास ये वर्दी कहां से आई। चौंकाने वाली बात ये रही कि तुरंत मौके पर इस महिला का पति भी पहुंच गया। उसने बताया कि उसकी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो बिना बताए इटावा से औरैया चली आई। जब उसने फोन पर बात की तब उसे पता चला कि वो यहाँ है। आपको बता दें कि इस महिला ने अपना उत्तर प्रदेश पुलिस का एक आईडी कार्ड भी बना रखा था, जो इसके पास से बरामद हुआ है। वायरल की डी न्यूज़।